हेलो स्टूडेंट, आई एम अद्भुत प्रकाश जी। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आज जो आपका पेपर हुआ है, ओ लेवल का फोर्थ पेपर हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। हमारे पास एक सेट है, एक बच्चे ने भेजा हुआ है। सेट में थोड़ा ऑर्डर सही से नहीं है, तो हम यहाँ पर शुरू के 1 से लेकर 25 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जस्ट इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बाद में हम उसकी लिंक भी दे देंगे। सेकेंड पार्ट हम वीडियो को अपलोड करेंगे जिसमें 26 से लेकर 100 तक क्वेश्चन डिस्कस होंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। पहले क्वेश्चन में स्प्रिंग बूट एक्चुएटर एक्सपोज ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन अबाउट रनिंग एप्लीकेशन यूजिंग एंड पॉइंट। तो देखिए, स्प्रिंग बूट एक्चुएटर में यहां पर जो यूज होता है वो यूज होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेकेंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन से क्या है, एम्बेडेड सी इज ओके। एम्बेडेड सी में जो यूज होता है, देखिए एम्बेडेड सी या सबसेट ऑफ ट्रेडिशनल नहीं है, एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल सी, बिल्कुल सही बात है, सुपर सेट भी नहीं है। तो यहां पर ए सी डी का तो कोई मतलब ही नहीं, आंसर जो सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, ड्यूरिंग एम्बेडेड डिजाइन विच डिजाइन कंसीडर बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए एम्बेडेड डिजाइन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंसिडर करने वाला जो होता है वो होता है बी ऑप्शन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिजाइन, ठीक है। सही किए होंगे काफी क्वेश्चन आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है SC05 इज अ ब्लूटूथ मॉड्यूल दैट कैन कम्युनिकेट इन विच मोड। तो देखिए SC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल जो होता है वो फुल डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेट करता है, यानी कि सी ऑप्शन यहां पर सही होगा इस क्वेश्चन को। आपका जो सेट हो सकता है कोई दूसरा हो, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को मैच करिएगा, आपको क्वेश्चन आगे पीछे मिलेंगे बट आंसर ऑप्शन आपको सेम मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा सेंसर इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन विच ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर। तो सेंसर की इफेक्टिवनेस डिपेंड्स करती है सेंसिटिविटी पर, आंसर आपका होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमसे बोला गया विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड टू अपलोड द आर्डिनो स्केच टू द बोर्ड। तो बच्चों ये अगर लास्ट ईयर मतलब जो जुलाई में पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन का ये ऑप्शन था, ए ऑप्शन था उस क्वेश्चन में जहां तक हमें याद है। तो यहां पर AVR ड्यूड होता है, ठीक है, डी ऑप्शन यहां पर सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यहां पर थोड़ा सा जो PDF आई उसमें वो सीक्वेंस अलग है ना, हम 7th क्वेश्चन पर पढ़ते हैं और वहां जहां पर भी ये 7th उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है ओके। विच आर फॉलोइंग प्रोसेस यूज टू कीप ट्रैक ऑफ यूजर्स एक्टिविटी। तो देखिए यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए जो फॉलोइंग प्रोसेस यूज होता है वो ऑथेंटिकेशन यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन आपके पास ए सही होगा, ठीक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि दीज एप्लीकेशंस टेक डेटा और इनपुट फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस एंड कन्वर्ट इट इनटू वेबर एक्शन आर क्लियर पैटर्न फॉर ह्यूमन एनालिसिस। तो देखिए यहां पर ये रियल टाइम एनालिटिक्स होते हैं, ठीक है, जो तो आंसर यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। बाकी देखिए हम क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हम आंसर सीट बना रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे क्लास करते हैं उनको प्रॉपर चीजें बताई गई हैं, सीट आपको दी गई थी, मैक्सिमम क्वेश्चन सीट से फंसे हुए हैं, लगभग 80% क्वेश्चन सीट से हैं और बाकी कुछ क्लास के नोट्स है, यानी कि इतना आपके पास कंटेंट रहता है। नेक्स्ट द एक्चुएटर यूजिंग IoT एप्लीकेशन आता। तो देखिए एक्चुएटर जो होते हैं हमारे पास, रिले एक्चुएटर भी होता है, सर्वो मोटर्स भी होता है, डीसी मोटर्स भी यूज होता है, यानी कि ये सारे टाइप के एक्चुएटर्स यूज होते हैं। तो यहां पर ऑन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 9th पर बढ़ते हैं। 9th तो डिस्कस हो गया, 10th में हमसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू कैप्चर डेटा फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड इन IoT डिवाइस। तो देखिए सेंसर यूज होते हैं यहां पर जो फिजिकल डेटा को कैप्चर करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। 11th क्वेश्चन में हमसे कहा है विच वन इज मोस्ट डिस्कस्ड चैलेंज इन IoT। देखिए IoT का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है उसकी सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, सेम तो नहीं आया बट वहां पर भी ये सिक्योरिटी का था, थोड़ा सा उन्होंने ऑप्शन को घुमा दिया। तो यहां पर आपका आंसर जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12th पर हम लोग बढ़ते, तो 12th आई थिंक ऊपर था फोटो में, ठीक है, थोड़ा देख लेते, हाँ ऊपर ही था, थोड़ा सीक्वेंस बच्चे से गलत हो गया है बट ठीक है, उसने मैं जल्दी PDF प्रोवाइड करा दी जिससे हम आपको जल्दी से जल्दी आंसर सीट सही आंसर सीट दे पा रहे हैं। द IoT नेटवर्क
दैट हैज अ वेरी शॉर्ट रेंजेस। तो ये अभी हमने लास्ट नाइट में वन लाइनर क्वेश्चन भेजे थे 50, उसमें ये क्वेश्चन था आपके पास, शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे, हमारे पास है मेजर कंपोनेंट ऑफ आईओटी इज या आर। तो देखिए आईओटी के में एक्चुएटर, सेंसर, स्मार्ट एप्लीकेशन, माइक्रो कंट्रोल, ये सभी यूज होते हैं। तो यहां पर आपके पास आंसर जो होना चाहिए वो डी ऑप्शन होगा, ठीक है, सारे ऑप्शन यहां सही होंगे। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 हो गया, 14 क्वेश्चन, ओके। 14 में हमसे कहा गया है कि इन द आईओटी नेटवर्क सिक्योर सेल SSH इज, तो यहां पर इन आईओटी में ये होता है सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है, सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन आपका बी आंसर ठीक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे बोला गया था एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन इज, ठीक है, फंक्शन को जो हम लोग यूज करते हैं, तो पार्टीशन लार्जर टास्क इंटू स्मार्ट टास्क, बिल्कुल सही, बड़ी बड़ी टास्क को हम लोग छोटे छोटे मॉड्यूल, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। को रीयूजबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, ये तो एडवांटेज होते ही। मैनेज कैपेसिटी, कैपेसिटी भी मैनेज करते हैं, तो यहां पर आंसर आपके पास डी ऑप्शन जाएगा। तो 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16 में हाउ शुड द टोन ऑफ अ स्पीकर बी लाइक, तो स्पीकर की जो टोन होनी चाहिए, लाउड नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है, लो भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि दूर तक सुनाई भी ना दे, मतलब नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए हमारी और क्लियर होनी चाहिए, लेकिन स्पष्ट होनी चाहिए जिससे कि सबके तक बात जाए। तो यहां पर आंसर आपके पास कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है बच्चों, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, सिक्वेंस ऊपर होगा 17 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ओके, यहां पर खाली जगह, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, तो इसका आंसर होता है एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों होता है, बाकी आईओटी सिस्टम के लिए इंटरनेट कनेक्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास है व्हाट इंडिकेट्स टू द रीडर द पर्पस ऑफ अ लेटर, ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जो होता है वो इंडिकेट करता है रीडर को द पर्पस ऑफ अ लेटर, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास है विच प्रोसेसर हेल्प्स इन कैरिंग आउट फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन, तो यहां पर फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन के लिए जो प्रोसेसर यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं को प्रोसेसर, क्या बोलते हैं, को प्रोसेसर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, और हमारी पूरी कोशिश है कि आपको सही आंसर प्रोवाइड किए जाए, और सही है भी आंसर सभी के सभी, और पेपर अच्छा आया, मतलब कि बहुत इजी भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है। 20 क्वेश्चन, हाउ टू रिसर्च एंड इंक्वायर अबाउट द कंपनी, देखिए कंपनी के बारे में आपको रिसर्च करना है, इंक्वायर करना है, तो कंपनी की वेबसाइट को भी आप चेक करेंगे, बिल्कुल सही, जिस पर आपको उसके बारे में डिटेल्स पड़ेगी मिलेगी, कंपनी डायरेक्टरीज भी चेक करेंगे, बिल्कुल सही बात है, एनुअल रिपोर्ट भी आप चेक करेंगे, तो यहां पर ये तीनों ऑप्शन सही होने चाहिए हमारे हिसाब से, यानी कि आंसर हमारे हिसाब से डी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, तो यहां पर आंसर आपके पास जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे बोला गया है कि ओके, यहां पर हमारे पास के की वैल्यू 0 है, डी डबल है, और यहां पर हमसे साइज पूछी गई है, ठीक है, ये भी सीट का क्वेश्चन है, तो यहां पर साइज जो पूछी गई, तो साइज ठीक है, तो यहां पर एक इंटीजर वैल्यू है, एक डबल वैल्यू है, दोनों को जब सम कर देंगे, ठीक है, एक देख लीजिए आप, यहां पर एक हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, यहां पर लिखा है हमारे पास k प्लस डी, तो k प्लस डी में k 0 है और d हमारे पास है 10.21, आप जब दोनों को सम करेंगे तो आएगा 10.21 फ्लोट, वो सॉरी डबल वैल्यू आएगी, डबल की जो साइज होती है बच्चों वो 8 बाइट साइज होती है, ठीक है, तो यहां पर साइज कितनी प्रिंट होगी, 8, तो इसका आंसर जो होना चाहिए था वो होगा आपके पास बी ऑप्शन, ठीक है, सीट में दिया गया है क्वेश्चन, आपको जो बच्चे पढ़ते हैं अच्छे से वो क्वेश्चन बहुत आराम से करने में, पेपर इतना टफ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई थिंक एक जस्ट वन मिनट, ये क्वेश्चन हमारे पास था, थोड़ा सीक्वेंस का दिक्कत है यहां पर, क्वेश्चन था हमारे पास, नेक्स्ट हम जो वीडियो करेंगे उसमें सिक्वेंस प्रॉपर रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा गैप ले रहे हैं आपसे, 22 से हमें डिस्कस करना है, तो 22 क्वेश्चन देख लेते हैं जरा कहां पर हमारे पास, ओके 22 क्वेश्चन, आप एक मिनट वेट करिए, हम जरा चेक करने कहां पर, थोड़ा सा आई थिंक ये है हमारे पास, ये थोड़ा उल्टा है
फोटो में, ठीक है, तो थोड़ा आप ध्यान दे दीजिए। लेकिन हम इसके बाद अभी सेकेंड वीडियो प्रोवाइड करेंगे जहां पर 26 से डिस्कस करेंगे, वहां ये पेज प्रॉपर सेट होंगे, ठीक है, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, थोड़ा आप सपोर्ट करेंगे तो बेटर हमारे लिए। इसमें हमसे बोलना है, देखिए हम पढ़ रहे हैं, आप भी थोड़ा कोशिश करिए, विच आर द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट आईओटी डिवाइसेस। यहां पर कह रहा है यूज इंटरनेट फॉर कनेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा करता है, ये तो सही ऑप्शन है। नीड माइक्रो कंट्रोलर, बिल्कुल जरूरत पड़ता है। यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरस भी यूज होती, वायर भी यूज होती, आर कंपनीटीज है। देखिए हमने बोला अभी पिछला भी एक क्वेश्चन था जहां पर सिक्योरिटी ही मेन रीजन है, हमारे मेन चैलेंज है यहां पर हमारे पास, तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो आपका कौन सा होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, 22 का डी ऑप्शन। थोड़ा सा आप ये देखिए इमेज आपको रिवर्स ऑर्डर में दिख रही होगी, थोड़ा आप यहां पर सपोर्ट करिएगा। नेक्स्ट हम 26 से जब करेंगे तो ऐसी गलती नहीं होगी, ठीक है। 23 में हमारे पास क्वेश्चन करा है, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ कंपेंस टू कॉपी नी टू कोप विद लाइफ्स चैलेंज एंड ऑफ बीइंग वर्थी ऑफ हैप्पीनेस कार्ड। तो यहां पर इसका आंसर जो जाएगा वो आपके पास होता है सेल्फ एस्टीम, ठीक है, ये सेल्फ एस्टीम की डेफिनेशन है आपके पास, तो सेल्फ एस्टीम यहां पर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ओके, ये व्हाट टाइप ऑफ स्पीकर लुक्स इनटू द आई ऑफ द ऑडियंस। तो देखिए जो स्पीकर है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है, जब कॉन्फिडेंट होगा तभी वो आपके पास आंख में आंख डालकर बात कर पाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग यहां पर जो टिक करेंगे वो ए ऑप्शन करेंगे, स्पीकर के पास कॉन्फिडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा तो 26 भी डिस्कस कर देंगे। 25 में हमसे कह रहा है कि एनडीआर सेंसर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो एनडीआर सेंसर जो वर्क करता है वो फोटो कंडक्टिविटी पर वर्क करता है, तो यानी कि यहां पर आंसर आपके पास डी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस कर देने, नेक्स्ट वीडियो में हम 26 से डिस्कस करेंगे 2700 तक, सॉरी। तो इसमें कह रहा है हमारे पास कि कंप्यूटर सिस्टम का हृदय कौन होता है, ठीक है, मेमोरी, वैसे तो सीपीयू अगर होता तो आप उसको करते कि द हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यहां पर बट किसको करेंगे, प्रोसेसर को करेंगे, ठीक है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कौन होगा, प्रोसेसर होगा। चलिए बच्चों तो आप ये क्वेश्चन मैच करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहे, हम जस्ट अभी आपको जितना जल्दी होगा वीडियो प्रोवाइड कराते हैं सेकेंड पार्ट, जिसमें 26 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन डिस्कस होंगे, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड किया था पाइथन की आंसर की, उसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अनएक्सपेक्टेड था, तो आपने बहुत सपोर्ट किया हमें, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते हैं, हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे, ठीक है बच्चों, जय हिंद।